क्या प्लांट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है? क्या प्लांट के जरिए आपके टीवी का रिमोट चल सकता है? क्या प्लांट के जरिए बैटरी बन सकती है? सुनने में सारी चीजें इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया हमारे इंडिया के एक स्टार्टअप ने। हे गाइस, मैं संकेत बारोड़ी, स्टार्टअप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज आपके साथ बात करने वाले एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जिसने इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करके दिखाया। अभी रिसेंटली हमारे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2020 का अनाउंसमेंट हुआ और कई सारे स्टार्टअप को अवार्ड मिले हमारी गवर्नमेंट के जरिए। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज बनाई जाए जिसके अंदर हम पूरे वर्ल्ड के जो यूनिक स्टार्टअप है, जो रिवॉल्यूशनरी स्टार्टअप है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्री के अंदर रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, जो बहुत ही यूनिक है, उनकी आइडिया और उनकी प्रोडक्ट पे सीरीज बनाई जाए। तो आज इस सीरीज की शुरुआत हमारे इंडिया के ही स्टार्टअप एलओई सेल से करने वाले हैं, जिसने वर्ल्ड की सबसे पहली 100% इको फ्रेंडली बैटरी बनाई है। तो कैसे बनाई और किस तरीके से ये स्टार्टअप काम करता है उसके बारे में हम जानने वाले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड लेट्स बिगिन। बैटरी इंडस्ट्री के अंदर इंडिया दो बड़ी दिक्कतों को फेस करता है। सबसे पहली दिक्कत फेस करता है इकोनॉमी वाइज। इंडिया के अंदर जो बैटरी की इंडस्ट्री है वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है और उस $1 बिलियन इंडस्ट्री से इंडिया को काफी कम प्रॉफिट होता है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया के अंदर जो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल का यूज होता है, उसका 97% रॉ मटेरियल इंडिया आउट ऑफ इंडिया से अदर कंट्री से इंपोर्ट करता है और उसकी कॉस्ट करीब करीब $149 बिलियन इंडिया चुकाता है, जिसकी वजह से बैटरी इंडस्ट्री का काफी बड़ा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ता है। दूसरी दिक्कत इंडिया फेस करता है एनवायरनमेंट वाइज। आप जो भी बैटरी का यूज करते हो, ज्यादातर मर्क्यूरी हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, ऐसे टॉक्सिक मेटल्स के जरिए बनी हुई होती है। जब तक आप बैटरी का यूज करते हो तब तक ठीक है, लेकिन जब यूज करने के बाद आप उसको फेंक देते हो तो लैंड पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन, इसके अंदर ये जो बैटरीज होती है वो काफी बड़ा पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करती है। साथ साथ में आपने देखा होगा कि कई बार ये बैटरी से जरिए एक्सप्लोजन भी होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को काफी बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमारे इंडिया के राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश के नवीन एंड निविशा ने वर्ल्ड की पहली 100% इको फ्रेंडली, 100% मेड इन इंडिया नॉन हैज़ार्डस बैटरी का निर्माण किया, जो पूरी तरीके से नेचुरली बनी हुई होगी, नेचुरल प्रोडक्ट से बनेगी। उन लोगों ने इस बैटरी का नाम दिया एलओई सेल। उन लोगों ने इस बैटरी को बनाने के लिए एलोवेरा जेल का यूज किया। एलोवेरा जेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और उस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर होते हैं आयन और उस आयन के जरिए प्रोड्यूस होती है केमिकल एनर्जी। उसी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हुए इन लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया एंड वर्ल्ड की पहली 100% इको फ्रेंडली बैटरी का निर्माण किया। और इस तरीके से उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आए बैटरी इंडस्ट्री के अंदर। और उसके साथ साथ ये बैटरी बनने की वजह से हमारा इंडिया जो चार बड़ी दिक्कतों को फेस करता है वो भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी दिक्कत है इकोनॉमी वाइज की। इकोनॉमी वाइज हमें काफी भारी भरकम रकम अदर कंट्री को चुकानी पड़ती है, वो चुकानी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बैटरी पूरी तरीके से 100% मेड इन इंडिया होगी और इसका जो भी रॉ मटेरियल होगा, एलोवेरा होगा, वो इंडिया के अंदर ही बनेगा। दूसरी दिक्कत जो भी फार्मर फेस करते हैं उनको भी फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये बैटरी पूरी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट्स और नेचुरल चीज़ों से बन रही है, एलोवेरा से बन रही है, जिसकी वजह से हमारे फार्मर को एंकरेजमेंट मिलेगा एंड गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलेगा। और तीसरी दिक्कत हम फेस करते थे हमारे एनवायरमेंट को लेकर एंड हमारी हेल्थ को लेकर, क्योंकि नॉर्मल बैटरी के डे बाय डे यूजेस बढ़ने की वजह से पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था, जिसका इंपैक्ट हमारी हेल्थ पे एंड हमारे एनवायरमेंट पे हो रहा था। लेकिन अब 100% इको फ्रेंडली बैटरी आ जाने की वजह से इस बैटरी की वजह से ना ही तो एयर पॉल्यूशन होगा, ना ही वाटर पॉल्यूशन होगा और ना ही लैंड पॉल्यूशन होगा। ये बैटरी को यूज करने के बाद मान लो उसको फेंक भी देते हो तो ये बैटरी कोई भी चीज को पॉल्यूटेड नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा एंड हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। चौथा बेनिफिट होगा हमारे कस्टमर को, क्योंकि ये बैटरी 10% चीपर होगी नॉर्मल बैटरी से एंड 1.5 गुना ज्यादा चलेगी नॉर्मल बैटरी की वजह से, जिसकी वजह से आप एनवायरनमेंट को तो सेफ करोगे ही लेकिन साथ साथ में आपको एक अच्छी प्रोडक्ट भी मिलेगी। इस तरीके से बैटरी इंडस्ट्री के अंदर एलओई सेल ने एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आई है। तो कैसा लगा स्टार्टअप आइडिया, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मान लो आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो रिवॉल्यूशन लेकर आ सकता है तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों आप शेयर कर पाओ शेयर करना, क्योंकि ये हमारा इंडिया का स्टार्टअप है और अगर हम इंडियन ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे वेल।